पब्लिक टीवी आपकी आवाज। शनिवार को बुद्धि विहार स्थित भाजपा कार्यालय पर भाजपा महिला मोर्चा जिला मुरादाबाद द्वारा समाज में उत्कृष्ट कार्य कर रही महिलाओं और समाज सेविकाओं को सुषमा स्वराज अवार्ड से और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि दीक्षा गंगवार प्रदेश उपाध्यक्ष महिला मोर्चा और प्रिया अग्रवाल प्रदेश उपाध्यक्ष महिला मोर्चा संयुक्त रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता महिला मोर्चा भाजपा जिलाध्यक्ष आदेश चौधरी ने की और संचालन महामंत्री विनीता रस्तोगी ने किया। सुषमा स्वराज कार्यक्रम की संयोजिका पूजा राघव रही। सिंपल, सुमन, बंटी, ममता, गायत्री सभी सदस्याएं उपस्थित रहीं। इस अवसर पर कार्यक्रम में मौजूद सभी अतिथियों के द्वारा कहा गया कि सुषमा स्वराज के द्वारा महिला होते हुए सबसे कम उम्र में कैबिनेट में अपनी जगह बनाई थी और सभी को सुषमा स्वराज की तरह लगन और मेहनत से आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि महिलाएं अब किसी से पीछे नहीं है और सभी को एक साथ मिलकर महिला शक्ति को बढ़ाना है। इस अवसर पर वीना अरोरा, राजेंद्र कौर, डॉक्टर लता चंद्रा, डॉक्टर आर डी सिंह, मधु यादव, रवि सक्सेना, पुष्पा देवी, अंजू देवी, सुमित्रा भूरी देवी और पिंकी यादव को सुषमा स्वराज अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सभी समाज सेविकाओं के द्वारा भी भाजपा महिला मोर्चा का आभार प्रकट किया गया और कहा गया कि सुषमा स्वराज अवार्ड से भाजपा के द्वारा सम्मानित किया गया है, ये बहुत ही खुशी का पल है। आज के कार्यक्रम का मकसद यही था, महिलाओं को ये बताना था कि हम महिलाओं के लिए कितना हमारी पार्टी करती है। जैसे कि सुषमा स्वराज अवार्ड देके उन्होंने पार्टी के लिए जितना किया था उसी का दायित्व निभाया। आज हम यहाँ महिलाओं को सम्मानित करके बड़ा ही गर्व महसूस कर रहे हैं, जिनको हमने सुषमा स्वराज अवार्ड से नवाजा है। यह कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा जिला मुरादाबाद द्वारा किया गया है। यह कार्यक्रम यहाँ की जिला अध्यक्ष आदरणीय आदेश चौधरी जी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम संयोजक पूजा राघव जी रहीं, जिसमें आज की हमारी मुख्य अतिथि प्रदेश उपाध्यक्ष दीक्षा गंगवार जी रहीं। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उन्होंने प्रकाश डाला और महिलाओं को उनकी भूमिका का एहसास दिलाया। ये बड़े ही एक गर्व का विषय भी है कि जैसी जिस तरीके का समाज हमारी सुषमा स्वराज जी ने महिलाओं को संदेश दिया था, उसी का संदेश आज हमने महिलाओं को दिया है कि महिलाएं कैसे सशक्त हो सकती हैं, महिलाएं अपने आगे रास्ते कैसे तय कर सकती हैं। जब एक महिला नेतृत्व में इतनी बड़ी उपाधि पा सकती है तो हम सब क्यों नहीं। अवार्ड पाकर सभी महिलाएं बहुत खुश हुई। इसमें कई क्षेत्रों से महिलाओं को सराहाया गया, अवार्ड दिया गया। ये बहुत अच्छी सोच हमारे भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा की गई। ये कार्यक्रम प्रदेश से गीता शाके जी के नेतृत्व में हो रहा है। आई हुए सभी का मैं हार्दिक आभार व वंदन करती हूँ। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।